अति प्राचीन भांडवपुर जैन तीर्थ में चातुर्मास के समापन व कार्तिक पूर्णिमा को लेकर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का हुआ आयोजन। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई ने की शिरकत। शैला उपकुंड क्षेत्र के भांडवपुर जैन तीर्थ में शुक्रवार को आचार्य जयरत्न सुरेश्वर महाराज की निश्रा में सज रहे चातुर्मास का धूमधाम से समापन हुआ। चातुर्मास के समापन को लेकर कार्यक्रम के तहत क्षेत्र सहित जिले भर के श्रावक श्राविकाओं का सुबह से ही पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर आने का सिलसिला शुरू हो गया था। सुबह आचार्य जयरत्न सुरेश्वर महाराज के प्रवचन का आयोजन हुआ। प्रवचन में कहा कि मनुष्य जीवन नश्वर हैं, जिसको जीवन काल में प्रभु की आराधना कर सदगति का मार्ग अपनाना चाहिए। आज तीर्थ पश्चिम राजस्थान का बड़ा तीर्थ है, इसलिए सभी श्रावकों को जीवन में अपनी कमाई का कुछ इच्छा तीर्थ के विकास में लगाकर पुण्य की प्राप्ति करनी चाहिए। आचार्य ने कहा कि धर्म कर्म से आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है, सद्गुणों का विकास होता है। जीवन में हमेशा धार्मिक कार्यों में अग्रसर रहने की बात कही। जिले भर से जनप्रतिनिधियों ने की शिरकत। समारोह में मग्रवाड़ा के गादीपति विजय सोम महाराज, वन राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई, आहोर विधायक सगन सिंह राजपुरोहित, जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग, सांसौर नगर पालिका चेयरमैन नरेश सेठ, भाजपा नेता दिनेश पुरोहित, SDM सूरज भान विश्नोई, CI ध्रुव प्रसाद, जिला परिषद सदस्य रामाराम चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह, उप सरपंच जोराराम चौधरी सहित आदि ने शिरकत की, जिनका साफा माला व श्रीफल से बहुमान किया गया। इसके बाद लाभार्थी परिवार की ओर से आचार्य को कामली उड़ाकर बहुमान किया, साथ ही लाभार्थी परिवार का भी पेड़ी की ओर से बहुमान किया गया। महावीर भगवान की परम श्रद्धे आदर योग गुरु जी, गुरु पार्श गुरु कुलपुत्र, गुरु तीर्थ गुरु राम, गुरु दाता दो लोक के गुरु को गुरु प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तमसे गुरु एवं नमः। तरवर सर्वर संत जन चौथो वर्ष वे परमार्थ के कारण चारों धर्य दे। ऊपर जो मूर्ति बाप जी विराजमान है, सभी संसारिक सुख को त्याग करके कल्याण के लिए जैन धर्म को नई दिशा देने के लिए अपन जो सामने विराजमान है सभी लोग, इनको सतमार्ग पर जो पीढ़ियों से 24वां तीर्थंकर महावीर भगवान जो परंपरा पीढ़ी रही, उनकी जो रीति रिवाज परंपराएं धार्मिक मान्यताएं, उनको मार्गदर्शन देने के लिए बाप जी का आपने प्रवचन सुना। इस मौके पर मैं तो यही कहूंगा कि जैन धर्म महाराज जी, जब हम सुनते हैं मेरे सांचौर में जन्म लेने वाले शांतिलाल जी के पुत्र, उनकी पुत्र वधु, उनका 12 साल का लड़का और 9-10 साल की बच्ची, पूरी दीक्षा लेने का निर्णय किया और 4 महीने के बाद में फिर दीक्षा लेंगे। बाप जी, ये तो जैन धर्म में ही संभव है। मेरे पास शांतिलाल जी आए, ये बात कही, मुझे बड़ा मतलब यूं महसूस हुआ कि हम तो धन जोड़ने की बात करते हैं, तो इनके परिवार ने पूरा धन त्याग करके, समाज का परिवार का मोह त्याग करके दीक्षा ली है। वो बाप जी, आपका साधु महात्मा में प्रताप है कि आपके जो प्रवचन हैं, आपके जो विचार हैं, आपके जो व्यवहार हैं, उनसे प्रभावित होकर के जैन समाज के लोग अपने मतलब जो सुख साधन, घोड़ा गाड़ी नौकर चाकर वैभव तमाम को छोड़ करके इस त्याग के मार्ग पर चलते हैं। वाकई में आप जैन समाज धन्य हैं, आप महात्मा जी धन्य हैं, इस तरह से आपके प्रवचन से प्रभावित होकर के वाकई में मोह माया त्याग करके एक सत्य मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर और अपरिग्रह के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। वाकई में मैं पुनः महावीर भगवान के तमाम अनुयाय को, गुरु जी महाराज को प्रणाम करते हुए मैं मेरी बात को पूरा करूँगा, क्योंकि बाप जी हम गृहस्थी आदमी हैं, राजनीतिक आदमी, समय कम मिलता है, रोड ज़्यादा, हम पहुँचना था 10 बजे, 2 घंटा लेट पहुँचे, जाना 2 घंटे लेट होगा, मैं पुनः माफ़ी चाहूँगा। मेरे सांसौर समाज के गोरख जी परिवार, जाखल मेरा ननियाल है, हरिवार हरियाली मेरे छोटे बच्चे का ससुराल है,
तो मुझे आसमर्दी मेरे मित्र हैं, दोनों भाई हैं, तो इसी इनके प्रेम से आपके बीच में हाजिर हुआ, उन्हें माफी चाहता हूँ, धन्यवाद चाहता हूँ। हमारे जालौर जिले की उस हवाई पट्टी को उपयोग में लाना है तो रोड चाहिए पहले, तो ये सायला से बांकरा रोड होके, नून होके, सियाणा होके, बरलूट वाले हाईवे से मिलाने के कोशिश में कर रहा हूँ। इस बांडवपुर में पोस्ट ऑफिस आ गया आपके आदेश से, आने वाला बांडवपुर में जियो का टावर लग गया आपके आदेश से, और बांडवपुर का नाम भूंदवा जो है, पूर्णवा से बांडवपुर होने की प्रक्रिया आपने पूरी करवा दी लगभग, और अब गंगा का पानी आने वाला, इतना चमत्कार मैंने और कहीं नहीं देखा हुआ, जो आपके सामने से आपकी कृपा से हो रहा है वो आपकी कृपा है। करते हो पूर्वर तुम ही मेरा नाम हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां और अब 4 महीने का आपने हमने आपको बांध रखा था, इस स्थिरता का समापन हो रहा है और गतिशीलता का प्रारंभ हो रहा है। अब आपका दर्शन करने के लिए हमको कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा आपको, वो हमारी किस्मत है, कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत शुभकामनाएं कटारिया परिवार को, एक बार फिर आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं, और आपको फिर निवेदन करता हूँ ऐसी कृपा बना कर रखिए पूरे क्षेत्र का।